देखिए देखिए देखिए, वहाँ पर एक पुल बन रहा है पिछले 5-6 सालों से 50-60 करोड़ की लागत से, बढ़ते बढ़ते आप बताते हैं लोग से भी खाली खरीदार के नाकामी के चलते उसकी लागत खर्च बढ़ती चली जा रही है। पुल का निर्माण इस साल भी नहीं हो पाया, हर साल लाख रुपया के आसपास खर्च करके गांव वाले आवागमन करते हैं। अभी बरसात तक वो चलता था, अभी तो बिफोर रेडी सीजन जो है इस यास के प्रकोप के चलते नदी का पानी का बढ़ाव हो गया, उसके चलते चतरी का पुल धराशायी हो गया। आईवीटीवी देखता है इंडिया। देखिए 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 देख देखिए डूब गए। देखिए हट हट हट, जैसा कि देख रहे हैं लोगों का मना करने के बावजूद भी लोग नदी में कूद गए हैं। एक बंदा पानी में भी है। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के चंदौली के समीप बागमती नदी पर बना चचरी पुल देखते देखते नदी में समा गया। जिस वक्त चचरी पुल नदी में समा रहा था उस समय कई लोग पुल को पार कर रहे थे। दिल दहला देने वाला ये लाइव वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की इसमें जान बची है। बेलसंड के चंदौली में पिछले लंबे अरसे से पुल का निर्माण हो रहा है। नदी में जब पानी रहता है तो लोग नाव के सहारे इस नदी को पार करते हैं, लेकिन पानी कम होने पर लोग चचरी पुल का निर्माण कर अपना आवागमन पूरा करते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और चचरी पुल पानी में समा गया। क्या मामला है? ये बेलसंड में चंदौली घाट है बागमती नदी पर, उसमें पिछले 6 सालों से चचरी पुल गांव वाले आपसी सहयोग से चंदा लेकर बनाया करते हैं, इससे आवागमन हुआ करता है। और इस सीतामढ़ी जिला के बेलसंड मंडल के करीब 5-6 गाँव दरियापुर, हसौर, आपको मौलागंज, ये सब गांव के लोगों की लंबी बड़ी चौड़ी आबादी है जिनको बेसन ब्लॉक और अनुमंडल या अस्पताल या सरकारी काम से आना पड़ता है। वहां पर एक पुल बन रहा है पिछले 5-6 सालों से 50-60 करोड़ की लागत से, बढ़ते बढ़ते अब बताते हैं लोग कि उससे भी फाजिल 80-90 करोड़ का हो गया। ठेकेदार के नाकामी के चलते उसकी लागत खर्च बढ़ती चली जा रही है। पुल का निर्माण इस साल भी नहीं हो पाया, हर साल लाख रुपया के आसपास खर्च करके गाँव वाले आवागमन करते हैं। अभी बरसात तक वो चलता था, अभी तो बिफोर रेडी सीजन जो है इस यास के प्रकोप के चलते नदी का पानी का बढ़ाव हो गया, उसके चलते चतरी का पुल धराशायी हो गया। आज जो लोग पार कर रहे थे, करीब आधा दर्जन लोग नदी के पेटी में गिरे, लेकिन गांव के लोगों ने उसमें सावधानी बरती। स्थानीय जो नाविक थे, तैराक थे, गोताखोर, उसको जा करके बच्चे और तो उसको निकालने का काम किया। हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग है कि वहाँ पर जो पुल का स्थायी निर्माण हो रहा है, मात्र जहाँ पुल धसा है चचरी उसे 100 मीटर की दूरी पर है, उसको अविलंब युद्ध स्तर पर तैयार कराया जाए ताकि आवागमन ये बेलसन से तरियानी और मीनापुर का सीधा रास्ता बन जाए। जैसा कि लाइव तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं, भाग 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 भाग
लगा रहा था।